दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। दोस्तों आज 3 मई को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी भारत सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन को रिवाइज कर दिया, तो निश्चित रूप से हमें भी हमारी सारी प्लानिंग को उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करनी है। तो उन रिवाइज प्लानिंग की बात आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि आपकी अपनी सीएलसी आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन कराने वाला प्लेटफॉर्म है। 8th, 9th, 10th प्री फाउंडेशन चलाते हैं, 11th, 12th फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं और आफ्टर 12th हम लोग टारगेट कोर्स चलाते हैं। ये सारे कोर्सेज किसकी प्रिपरेशन है? नीट और जेई की। 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, 11, 12 फाउंडेशन, आफ्टर 12 टारगेट कोर्स। ओके डियर, अब मेरे को इस वीडियो को सुनने या देखने वाले गार्जियन या अभिभावक हैं वो तीन प्रकार से हैं। पहले वो हैं जो दोस्तों सेशन 2021 यानी इस सेशन में ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में एडमिशन ले चुके हैं। दूसरे वो जो 2021 में इन बैचेज में, जो बैच आपको बताया मैंने, एडमिशन लेने में अपना मन बना रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं। और तीसरे स्टूडेंट वो हैं जो नीट और जेई 2020 की एग्जाम इस साल देने वाले हैं, जिनकी एग्जाम्स अभी पोस्टपोन्ड हो गई हैं। कब होंगी किसी को नहीं पता है। ओके डियर, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं मेरे उन बच्चों से जो सेशन 2021 में 8, 9, 10, 11, 12 टारगेट कि किसी भी बैच में अपना एडमिशन ले चुके हैं। बेटा 16 अप्रैल को अपना पहला बैच स्टार्ट हुआ था, 27 अप्रैल को अपना दूसरा बैच स्टार्ट हुआ था। अब मैं तीसरा बैच अनाउंसमेंट की घोषणा कर रहा हूं 7 मई 2020 से आपके अपने सीएलसी 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, 11, 12 फाउंडेशन टारगेट कोर्सेज के नए बैचेस स्टार्ट करने जा रही है। जो स्टूडेंट 16 अप्रैल के बैच में या 27 अप्रैल के बैच में इनरोल्ड हो चुके बट किसी भी टेक्निकल कारण से नए प्लेयर मान लो वीडियो नहीं देख पाए, कभी साइड नहीं चली, कभी साइड चला नहीं पाए, आपको लगता है मेरी क्लास रह गई, तो मैं आपको एक मौका दे, यदि आपको दिक्कत आए तो ये सुनना, आपको वहां सही चल रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप 7 मई को दोबारा से नए सिरे से क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 16 अप्रैल या 27 अप्रैल के बैच से क्यूट होना पड़ेगा। मैं पहले उन बच्चों को कन्वे कर रहा हूं जिनका एडमिशन हो चुका है, वो 7 मई से नए बैच में आ सकते हैं। इसको हम थर्ड फेज कहेंगे, 16 अप्रैल फर्स्ट फेज, 27 अप्रैल सेकंड फेज, 7 मई थर्ड फेज। कैसे आ सकते हैं? तो आपको फिर मैसेज भेजना होगा, अपना नाम, सीएलसी फॉर्म नंबर जो रोल नंबर बोलते हैं अपन, बैच 11th है, 12th है, टारगेट है, बायो है, मैथ है, मीडियम, प्लस अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर जिस पे आप लाइव क्लासेस देख रहे हैं, समझ रहे हो? नाम, फॉर्म नंबर, आपका कोर्स 11th है, 12th है, जो भी है, मीडियम सहित, प्लस आपका मोबाइल नंबर। ये आप केवल और केवल मेरे नंबर व्हाट्सएप करेंगे 9928738888 पे, इस पे व्हाट्सएप कर दोगे। ये 8 तारीख तक हम आपको मौका दे रहे हैं, आपका बैच चेंज कर दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। ओके, और उन लोगों की क्लासेज बहुत परफेक्टली चल रही हैं ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने मेरा ओपन नंबर दे रखा, मेरे पास किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके डियर, अब वो मेरे गार्जियन या मेरे स्टूडेंट जो 7 मई के बैच में एडमिशन लेने का मूड बना रहे हैं, तो या उस ऐसे बच्चे होंगे जो नीट जेई 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको लॉगिन होने का एक कॉमन प्रोसेस मैं बता देता हूं। ठीक है, नीट जेई 2020 के प्लेयर टेस्ट सीरीज के लिए एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, या 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, 11, 12 फाउंडेशन टारगेट के लिए 2021 के लिए एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं, तो दोस्तों बहुत सारे फोन आते हैं, ये ऑनलाइन में लॉगिन होना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक तो स्लाइड्स के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि समझाने सफल हो पाऊंगा मैं। आ जाओ डियर, शुरू, तो ये आपकी स्लाइड स्टार्ट हो रही है। ओके डियर, सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके clclive.in को सर्च करें, आ जाएगा clclive.in, आ गया। ओके डियर, clclive.in आते ही आपके सामने वहां दो चीज आएंगी, एक साइन इन लिखा हुआ आएगा और एक दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा। तो साइन इन का मतलब तो वह है जिनका एडमिशन पहले हो चुका है, आप न्यू एडमिशन है, तो जहां न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है प्लीज अपना मोबाइल नंबर लिख दो, ये मोबाइल नंबर ही आगे हमेशा काम आएगा, ये इसी नंबर पे आप सारी इंफॉर्मेशन आएंगी, प्लीज इसमें बाद में हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वही नंबर लिखें जिस पे आप उपलब्धता हासिल कर सकते हो अपनी ऑनलाइन क्लासेज की। ओके डियर, जैसे ये मोबाइल नंबर आप इस तरह को देख लो, आप देखें स्लाइड में जैसे फीड करेंगे आपके इस नंबर पे, देखो एक ओटीपी आया, देखो फटाफट ओटीपी आ गया, उस ओटीपी को आप देखो, यहाँ ओटीपी मांग रहा ना, ओटीपी कितने डिजिट की है भैया? 4 डिजिट की, आप फीड करो,
ये अपने आप वेरीफाई सही है, तो वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होते ही दोस्तों देखो पेज खुल गया, एक पर्सनल डिटेल का पेज खुला। देखो देखो पर्सनल पेज का, पर्सनल डिटेल का, उसमें नाम भरना है, इधर आपको ईमेल भरना है, ठीक है डियर। ईमेल आप कोशिश करें भरें, ईमेल नहीं भी है तो भी आप टेंशन नहीं लें, भर दिया। भरते ही दोस्तों आप देखो आपके पास एक मैसेज आएगा, फॉर्म नंबर तो आपका आगे यूजर नेम रहेगा, अभी आगे चलेंगे, रुको। फॉर्म नंबर जो दिया है वो तो है यूजर नेम, और जो मोबाइल नंबर है ये आपका आगे रहेगा, पासवर्ड कब, जब आप लॉगिन हो जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद। ओके डियर, अब आप देखो नीचे बैचेज हैं, 11th 12th टारगेट प्री फाउंडेशन, जिस बैच में आपको जाना है उस बैच में आप एंट्री कर दो, कर दी। फिर आगे चलोगे दोस्तों, ऊपर देखो मीडियम लिखा हुआ है, हिंदी या इंग्लिश, आप मीडियम अपना सेलेक्ट कर लो। अब देखो साइड में एक आप फोटो से आया होगा आपका ना, एक फोटो का बक्सा सा आया है, नीचे आपका नाम भी आ गया उसमें, आराम देखो नाम आपका। अब आप देखे दोस्तों नीचे कुछ खूब सारी बात लिखी हुई है, उसमें दो आपके काम की हैं, एक तो है टेस्ट सीरीज और एक है वीडियो लेक्चर्स। तो जो स्टूडेंट, अब यहां ध्यान चाहूंगा, जो स्टूडेंट नीट और जेई 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, निशुल्क है, आप दोस्तों यहां जाके ज्वाइन कर लें। और जो वीडियो क्लासेज में है वो वीडियो क्लास क्लिक करो, जो करते ही आपकी क्लास खुल जाएंगी, क्लास खुलते ही वीडियो दिख रहे हैं, वीडियो पर जैसे क्लिक करोगे वो आपसे पैसा मांगे 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए आपको ई बैंकिंग के थ्रू जमा कराना, ये देखो आपके सामने ऑप्शन आ गया। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि साहब ई बैंकिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देखो कोशिश करो कि ई बैंकिंग से हो जाए। ई बैंकिंग से नहीं हो, ई बैंकिंग से आप करोगे ना तो अपने आप आपके नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। क्या आएगा टेक्स्ट मैसेज में, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आपकी क्लासेस शुरू होने का एक आपके पास इंडिकेशन आ जाएगा। अब आपके पास ई बैंकिंग नहीं है तो दोस्तों ये देखो आप, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरे उस बंदे का नाम है ओमजी गोदारा 9413357888। तो आपको इस खाते में पैसे जमा करा के फिर एक स्लिप के पीछे बच्चे का नाम, पिता का नाम, ठीक है डियर, कोर्स 11th है, 12th है, आईटी मेडिकल मीडियम वाइज, प्लस मोबाइल नंबर जिस पे आपको वीडियो क्लास देखनी है, इन सब का फोटो खींच के आप 9413357888 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। फिर हमारी ड्यूटी बनती है, हम अपने आपको सूचना करेंगे और आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया डियर लॉगिन होने का प्रोसेस। फिर सुन लो, तीन प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक वो जिनका एडमिशन हो चुका, उन कुछ नहीं करना, उनके पास यूजर नेम है, पासवर्ड है, जाओ खेलो मस्त रहो। अब वो दूसरे बच्चे जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका पूरा आपको बताया प्रोसेस। वीडियो क्लासेस दोस्तों चार्जेबल हैं, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री है, स्टूडेंट वेलफेयर में कोरोना के कारण वहां कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जो वीडियो क्लास ज्वाइन कर रहा है ना उसको तो टेस्ट सीरीज का अपना मिल जाएगा, उसको तो अपना मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है फ्री पैकेज में, उसको वीडियो क्लासेस नहीं मिलेंगी। ये दोस्तों हमारी यहां तक एक प्रोसेस हो गया। लगे आप, एक बात और बोल देता हूं, आप जानते हैं आपकी अपनी सीएलसी स्कूलिंग में बहुत अच्छा काम करती है, तो स्कूलिंग के लिए भी 10th और 12th साइंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी, सीबीएसई, इसका भी 7 मई से हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका भी सेम प्रोसेस है, बस प्लेटफॉर्म अलग है, kvmlive.in। क्या नाम है? kvmlive.in। यहां कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो 9414037888, इस पर बात कर सकते हैं, यहां जाए। और फिर दोस्तों वेलफेयर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए स्कूलिंग की क्लासेज भी हमारी फ्री हैं, आरबीएससी भी है, सीबीएसई भी है, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। अब एक बार रिवाइज कर दूं, 8th 9th 10th ओनली इंग्लिश मीडियम, मटेरियल भी इंग्लिश मीडियम, 11th 12th फाउंडेशन और टारगेट, मेडिकल की क्लासेज हिंदी मीडियम में भी हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हैं, नोट्स हिंदी मीडियम में मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम मिलेंगे, 11th 12th आईटी फाउंडेशन और आईटी टारगेट क्लासेस दोस्तों जैसे ऑनलाइन में आप सब के देखते हो मिक्स मोड में आएंगे, हिंदी इंग्लिश का मिक्स रहेगा, लेकिन हमारे मॉड्यूल जो बोलते हैं स्टडी मटेरियल बोलते हैं वो हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। दूसरा, अब हमारी क्लासेज की विशेषताएं क्या है, सीएलसी की वीडियो क्लासेज दोस्तों 10 दिन तक अपलोड रहेंगी, मुझे नहीं कहना चाहिए, जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है ऑलमोस्ट लोग 15-18 घंटे के बाद वीडियो उठा देते हैं। आपके अपने सीएलसी एडमिशन से लेके 7 मई के बैच को आप ज्वाइन कर रहे हो तो 17 मई तक दोस्तों ये वीडियो उपलब्ध रहेंगे। दूसरा, हमारा सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फाइल के रूप में आपके पास आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर लें। हाँ, प्रिंट नहीं आएगा इसका भाई, आप केवल इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है। और दोस्तों हमारा जो मॉड्यूल है, पहले उसमें थ्योरी होती है, फिर उसमें प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट के रूप में स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, इस तरह एक क्वेश्चन बैंक होता है। ओके डियर, क्या और क्वालिटीज हैं हमारी क्लासेज की, मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों हमने हमारी
ऑनलाइन क्लासेज को 100% वैसा ही रखा है जैसे ऑफलाइन क्लास है। बस फर्क इतना ही है, टीचर के सामने बच्चे की बजाय कैमरा खड़ा हुआ है और स्टूडेंट के सामने टीचर की बजाय आपकी टीवी स्क्रीन है या आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है। 70% स्टडी मटेरियल की जो प्रॉब्लम्स है, 60-70% मेरा साथी आपको क्लास में बोर्ड पे सोल्व कर देगा। जैसे देखो दोस्तों, याद करो जो कोचिंग का ऑफलाइन चलता है ना, तो मेडिकल में 12 दिन के बाद टेस्ट होता है, आईआईटी में 21 दिन के बाद टेस्ट होता है। बिल्कुल जितनी क्लासेज ऑफलाइन में आपको दी जा रही हैं, उतनी क्लासेज सिस्टमेटिक बिना शॉर्टकट किए हुए, बिना घास काटे हुए। हम ये मानते हैं कि टीचर जैसे हमारे भोला जी क्लास में जा रहे हैं, पांडे जी जा रहे हैं, जो भी साथी क्लास जा रहा है वो इस तरह पढ़ा रहा है कि आज मैंने ये पढ़ाया, कल मैंने ये पढ़ाया और इसका टेस्ट कब होना है। टेस्ट भी सुन लो कब कब हो रहे हैं। 16 अप्रैल का जो बैच था उसका टेस्ट दोस्तों 10 मई को है। जो 27 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ उसका टेस्ट 21 मई को है। और दोस्तों जो 7 मई को बैच स्टार्ट हो रहा है इसका टेस्ट 31 मई को है। ये आपके टेस्ट होंगे हर प्रोडक्ट। तो दोस्तों पूरा नोट्स आपको मिल रहा है, डेली आपको क्लासेज मिल, क्लासेज कैसे मिलेंगी डेली पूरे वीक 6 दिन। यहां भी पूरी बात कर लूं दोस्तों मैं, 11th 12th फाउंडेशन आईआईटी हो चाहे मेडिकल हो, आपको 6 दिन रोज 3-3 क्लासेज मिलेंगी। मेडिकल टारगेट में आपको 4 क्लास मिलेंगी, आई टारगेट में आपको 3 क्लास मिलेंगी और प्री फाउंडेशन में 8th और 9th के बच्चे को 3 क्लास सप्ताह में 2 बार मिलेंगी, 10th के बच्चे को 3 क्लास सप्ताह में 3 बार मिलेंगी। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैं खुद शूट करता हूँ, कि यह संस्था का अपना कमिटमेंट है दोस्तों। CLC ऑनलाइन के प्रति ईमानदार भी है और सक्षम भी है, इसीलिए पूर्ण सफलता के साथ पिछले 20 दिन से हमारी ऑनलाइन क्लासेज, हमारी ऑनलाइन टेस्ट, कई हजारों बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो डियर, जो भी स्टूडेंट अपनी एडमिशन की मानसिकता बना रहे हैं उनसे बिल्कुल अपील है वो 7 मई से क्लासेज ज्वाइन कर लें। फिर बात आती है फीस की। अभी आपकी संस्था मात्र 10,000 रुपये की टोकन मनी आपसे ले रही है। जैसे लॉकडाउन ओपन हो जाएगा दोस्तों, ऑफलाइन शुरू करेंगे, ये 10,000 रुपये पूरा का पूरा आपकी फीस में सेट हो जाएगा। अब आपको श्रवण जी आपकी फीस क्या है तो दोस्तों देख लो, दोस्तों ये स्लाइड देख लो, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। हमारी टोटल फीस 96,000 रुपये है, अलग अलग परसेंटेज पर आपकी छूट है। इसके अलावा दोस्तों जरूरतमंद बच्चों के लिए, हमारे नॉन बच्चों के लिए, आप जानते हो संस्था में सहयोग करती आई है, वो चीज़ें हमेशा आगे भी बनती रहेंगी। इसमें आप निष्फिक्र रहें, संस्था जितना अच्छा सहयोग आज तक करती आई है, अब तो दोस्तों निश्चित बात है हमारी ड्यूटी तो और बन जाती है। कोरोना की महामारी से मैं मानता हूँ विषम परिस्थितियाँ हैं, तो CLC आप जानते हो 100% स्टूडेंट वेलफेयर में काम करती है। उसी की देन है कि आज हम एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो फ्री टेस्ट दे रही है, एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो 10-12 दिन तक अपने वीडियो को दोस्तों रख रही है। तो मैं मेरी बात को समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूं। आपके अपने CLC 7 मई से 8th, 9th, 10th प्री फाउंडेशन, 11th, 12th फाउंडेशन, टारगेट IIT और मेडिकल की क्लासेस शुरू करने जा रही है। इसी के साथ स्कूलिंग के लिए 10th और 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, RBSE, CBSE वो क्लास भी शुरू करने जा रही है जिनका कोई चार्ज नहीं है। 2020 के जो प्लेयर हैं JEE और NEET उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है। मैं एक विशेष बात आपसे और करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट नीट 2020 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब तक आपकी नीट की डेट नहीं आती है हर संडे मेजर टेस्ट के माध्यम से आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। इज क्लियर, ध्यान दें, जब तक नीट की डेट नहीं आती है तब तक हर संडे मेजर टेस्ट चलेंगे फुल सिलेबस के, कंप्लीट सिलेबस। और IIT एडवांस का एक शेड्यूल हमने दे रखा है, वो एडवांस शेड्यूल खत्म होने के बाद भी लॉकडाउन नहीं खुलता है तो वहाँ भी सुन लो, हर संडे एडवांस के पैटर्न पर मेजर टेस्ट चलेंगे। दूसरा दोस्तों, डाउट पूछने के लिए बच्चों के कई बार कॉल आते हैं, तो डाउट पूछने के लिए जैसे हमने बताया ये नंबर है हमारे, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप नंबर भी हैं और टेलीग्राम नंबर भी है। आजकल आप जानते हो दोस्तों एक नया ऐप आ गया व्हाट्सअप का मॉडिफाइड रूप टेलीग्राम, तो आप सभी लोग अपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम के थ्रू भी भेज सकते हैं और व्हाट्सअप के थ्रू भी, नंबर ये रहेंगे। इसमें नंबर जैसे आप याद करो पहले टेक्स्ट मैसेज आता था, देखो आपके पास मोबाइल है उस पर टेक्स्ट मैसेज भी आता है, उसके पास व्हाट्सअप भी आता है, वैसे उस पर टेलीग्राम भी आ गया। दुनिया बदल रही है ना, तो टेक्स्ट मैसेज जमाने चले गए, वैसे व्हाट्सअप के ऊपर टेलीग्राम मॉडिफाइड रूप आ गया, तो आप इस व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है डियर। और लास्ट में दोस्तों, आपको लगता है कि आपको बात करके संतुष्टि नहीं मिली तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, मैं एज ए हेड ऑफ फैमिली मेरा खुद का नंबर आपको दे रहा हूं, 9928738888, आप इस नंबर पर मेरे को अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर दें। कॉल हो सकता है दोस्तों काफ़ी आने लग गए मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ, टेक्स्ट मैसेज बिल्कुल नहीं करें प्लीज़, आप इस पर अपना व्हाट्सअप कर दें, आपकी समस्या मिटेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और
इस वीडियो को एक बच्चे वो भी देख रहे हैं जो जेई और नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो नीट वाले बच्चों की टेस्ट सीरीज 30 अप्रैल को बंद हो गई, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि बॉस कब स्टार्ट होगी। तो सभी सुन लो दोस्तों, मैं 4 मई की शाम 6:30 बजे लाइव आऊँगा, उसमें पूरी कहानी बताऊँगा। और फिर बता दूँ, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होते ही 4 मई के बाद जब स्टार्ट होगी उसका पूरा शेड्यूल हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बने हुए हैं, वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। हाँ दोस्तों, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और है, आज तारीख है 3 मई, दोस्तों मैं लगभग 22 मार्च को CLC सीकर फेसबुक पे शाम को 6:30 बजे लाइव आना स्टार्ट हुआ था। मैं परसों 1 तारीख तक 40 एपिसोड के माध्यम से 40 दिन लाइव बात कर चुका हूँ। मेरा आपसे फिर कमिटमेंट है, जब तक लॉकडाउन है आपका अपना श्रवण डेली शाम 6:30 बजे CLC सीकर फेसबुक पेज पे लाइव रहेगा, जहाँ केवल स्टूडेंट से बात की जाती है। बीच में हम कुछ बात समाज की भी कर लेते हैं, कुछ मस्ती की भी कर लेते हैं, कुछ गाने वाने भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा मूल फोकस होता है नीट और JEE की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या अन्य कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन की, वो एक मिक्सर होता है। CLC सीकर फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, एक हमारा YouTube चैनल है CLC सीकर, आप उसको फॉलो करें जहाँ प्रीवियस पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन पड़े हैं। दोस्तों एक अपील करना चाहता हूँ, आप कोई भी हैं, JEE के स्टूडेंट हैं ना है, आप कोई भी व्यक्ति हैं तो CLC सीकर के 6:30 के लाइव को आपको देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि वो आधी घंटा मैं आपका फ्रूटफुल करूं, और उसी प्रयास में रहता हूं डेली शाम 6:30 बजे CLC सीकर के फेसबुक पेज पे। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों, एक प्रश्न और भी आ रहा है कि साहब लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, आप सीकर CLC का आपका कैंपस कैसा है, CLC कैसी है, क्योंकि ये वीडियो तो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू पूरे विश्व में जा रहे हैं, तो बहुत से नए लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत खुशी भी है हमें, मैं बहुत कहते हैं बहुत खुशी है सोशल मीडिया पे बहुत से नए लोग जुड़ के उनके अच्छे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। दोस्तों इसके लिए CLC परिवार.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाएँ और पूरा CLC का विजिट करें, आप CLC परिवार.com हमारी वेबसाइट पर जाएँ और कंप्लीट विजिट करें, ठीक है डियर। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, लॉकडाउन खुलने के बाद दोस्तों दुनिया वैसे चलेगी, वैसे क्लासेस चलेंगी। हाँ एक बात फिर सुन लो, लॉकडाउन के बाद क्लासेस स्टार्ट 0 से होंगी। हाँ बच्चे के 2 ऑप्शन होंगे, भाई आप लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसके आगे रेगुलर करना चाहते हो तो एक बैच वो बढ़ा देंगे, दूसरा बैच कुछ बच्चे कहेंगे साहब नहीं हम तो स्टार्ट 0 से करनी है, बाकायदा लॉकडाउन के बाद 2 सेपरेट बैच होंगे, एक वो ऑनलाइन को आगे कंटिन्यू करें, एक वो स्टार्ट 0 से करें। ओके डियर, मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि आप संकल्पित हैं तो आपकी CLC आपके लिए समर्पित है। लास्ट में आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी एजुकेशन की शुभकामनाएं करते हुए, आपके अपने CLC हमेशा आपके साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। जय CLC।